नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo T15 G versus Samsung Galaxy M32 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो T15 G में 6.46 इंच जबकि Galaxy M32 में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है जो कि T15 G से कम है। विड्थ की बात करें तो T15 G में 2.98 इंच जबकि Galaxy M32 में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है जो कि T15 G से कम है। बात करें थिकनेस की तो T15 G में 0.32 इंच जबकि Galaxy M32 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि T15 G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो T15 G में 187 ग्राम्स जबकि Galaxy M32 में 196 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि T15 G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो T15 G में IPS LCD जबकि Galaxy M32 में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो T15 G में 6.58 इंचेस जबकि Galaxy M32 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन T15 G में 1080x2408 और Galaxy M32 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो T15 G में 84.09% जबकि Galaxy M32 में 83.89% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो T15 G में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy M32 में 411 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो T15 G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और गैलेक्सी M32 की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो T15 G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और गैलेक्सी M32 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो T15 G में Adreno 619 जबकि Galaxy M32 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो T15 G में Qualcomm Snapdragon 695 और Galaxy M32 में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो T15 G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy M32 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो T15 G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy M32 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो T15 G में Android V12 जबकि Galaxy M32 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी T15 G में 5000 mAh जबकि Galaxy M32 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो T15G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,990 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,990 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी M32 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo T15G में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy M32 की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy M32 आगे है, मेन कैमरा में Galaxy M32 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में T15G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 है, दूसरा Infinix 08i है, तीसरा Samsung Galaxy F41 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A15 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।